हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 और प्राइम के एक खास फीचर को लेकर के है। तो सबसे पहले मैं टैली ईआरपी 9 और प्राइम दोनों ही को ओपन कर लेता हूं। देख सकते हैं कि ये टैली ईआरपी 9 आपके सामने ओपन है और ईआरपी 9 का 5.0 वर्जन मैंने ओपन किया है, यानी कि इसमें जीएसटी नहीं लगने वाला है। जीएसटी में जब भी जीएसटी लगेगा तो टैली ERP 9 6.0 या उससे ऊपर के वर्जन्स में जीएसटी अप्लाई हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो उसके पहले आप जीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। तो ये सब बातें क्लियर है। अब यहां पर एक कंपनी बनी हुई है, ठीक है। अगर हमको वाउचर एंट्री पास करनी है तो ERP 9 में कहां जाना होगा? देखिए, ये ERP 9 ही है और यहां से वी बटन प्रेस करते हैं, हम वाउचर एंट्री में आ जाएंगे। अब ये वाउचर एंट्री वाला खुला हुआ है हमारे पास। यहां से आप F9 प्रेस कर सकते हैं परचेस वाउचर में जाने के लिए। तो ये परचेस वाउचर में आ गए, देख सकते हैं। अगर हम यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देते हैं और वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, यहां पर मैं कैश कर देता हूं। या फिर अगर हमें यहां पे लेजर क्रिएट करना है तो हमें क्या प्रेस करना है, क्योंकि आपको प्राइम में यहां पर साइड में दिखता है, जैसे यहां पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिख रहा है, वैसे ही प्राइम में आपको साइड में ही क्रिएट का बटन दिखता है। ये मेन डिफरेंस है। टैली प्राइम में आपके काम को और भी ज्यादा आसान बना दिया गया है इन कंपैरिजन टू टैली ईआरपी 9। तो जो लोग टैली ईआरपी 9 पर कंफर्टेबल होते थे वो टैली प्राइम पर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। टैली प्राइम और भी ज्यादा आसान है। अब यहां पर आपको लेजर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो आती है। तो यहां आपको लेजर बनाना है, जो भी क्रेडिटर पार्टी है उसका लेजर आप यहां लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं सूरज क्रेडिटर, ये क्रेडिटर पार्टी है, तो एंटर प्रेस करते हुए सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में इसे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप जो है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर 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 प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एंट्री हो गई पूरी और यहां पे सप्लायर की डिटेल आ जाएगी, बाकी सारी चीजें यहां पर। और इसी तरीके से आपको परचेज का लेजर बनाना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो फिर हम परचेज का भी लेजर बना पाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने परचेज का लेजर बना लिया। तो ये लिख दिया मैंने परचेज अकाउंट और इसे डाल देंगे अंडर परचेज के ग्रुप में, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया, ये एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। यहां पर स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अगर आपको स्टॉक आइटम बनाना है तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, स्टॉक आइटम भी बना पाएंगे आप। तो ये देखिए, स्टॉक आइटम क्रिएशन वाले विंडो ओपन हो गई है। यहां पर चाहे तो स्टॉक आइटम बना सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल मैं यहां से बाहर आता हूं और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टैली प्राइम की। तो ये ईआरपी 9 है और ये प्राइम है, तो दोनों ही को मैं ओपन कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा करके। ये देखिए, ये प्राइम है और ये ईआरपी 9 पीछे खुली हुई है, ठीक है। अब यहां पर भी एक कंपनी है, महिंद्रा लिमिटेड, आप देख सकते हैं। अगर इसमें हमें कोई भी एंट्री पास करनी है तो वी प्रेस करके वाउचर में आना होगा और यहां पर ये पेमेंट वाउचर है तो परचेज में जाने के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग। और यहां पर देख सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि यहां पर उस पार्टी का नाम आएगा जिस पार्टी को हम क्रेडिटर पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहां कैश भी कर सकते हैं, अगर कैश में पेमेंट मिल रहा है तो आप कैश कर दीजिए, अदरवाइज पार्टी का नाम आपको देना होगा। तो यहां पे देखिए, ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन है ये आपको ईआरपी 9 में नहीं मिलता। यहां पर देख सकते हैं क्रिएट वाला ऑप्शन, मैं आपको ईआरपी 9 दिखाता हूं। ये देखिए, ये ईआरपी 9 है, तो यहां आपको क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए, क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि आपको यहां क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप ईआरपी 9 यूज कर रहे हैं तो, और अगर प्राइम यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जहां पर क्लिक करके आप आसानी के साथ लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।